हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल एचडी फूड सीरीज में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बच्चे और बड़े सबकी फेवरेट मटर पनीर की रेसिपी। इसे आप रोटी या चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक मीडियम साइज की प्याज और इसे हम मोटा मोटा काट लेंगे, यानी कि रफली काट लेंगे। अब हम टमाटरों को भी ऐसे ही काट लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और उसे भी हम मोटा मोटा सा काट लेंगे। अब कढ़ाही में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी गर्म हो जाने पर हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 6-7 काली मिर्च लेंगे और 3-4 लौंग डालेंगे, 1 छोटा चम्मच डालेंगे खड़ा धनिया। इन्हें बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे जिससे मसाले जले नहीं। और अब डाल देंगे उसमें कटे हुए प्याज और इन्हें हम लो टू मीडियम आंच पर पकाएंगे। अब इसमें हम 8-10 काजू डाल देंगे। काजू डालना एकदम ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप सब्जी बना सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर पेस्ट नहीं हो तो आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10-12 लहसुन की कलियाँ भी काट कर डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च जिसे मैंने काट लिया है। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मिर्च बढ़ा सकते हैं। सभी मसाले और प्याज को अच्छे से पका लेना है। अगर प्याज और मसाले अच्छे से नहीं पकेंगे तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप किया है और इसे भी हम इसमें पकाएंगे। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं और इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें अब हम ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए पकने रख देंगे जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएं। तीन चार मिनट हो गए हैं तो हम टमाटरों को चेक कर लेते हैं। टमाटर एकदम अच्छे से गल गए हैं और अब हम गैस बंद करके इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा हो जाने के बाद हम इसको ग्राइंडर में पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम पनीर को टुकड़ों में काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और ये पनीर भी मैंने घर पर ही बनाया है। घर पर पनीर कैसे बनाएं इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। पनीर को हम टुकड़ों में काट लेंगे। आप जैसा पसंद करें, छोटे या बड़े साइज के टुकड़े वैसे आप काट सकते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई या पैन और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उतना ऑयल डालेंगे जितने में कि हम पनीर को फ्राई कर सकें। आप कम ऑयल में भी शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। अब सभी पनीर को हम फ्राई कर लेते हैं। पनीर के टुकड़ों को हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। पनीर हो गए हैं दोनों साइड से फ्राई। और अब क्या करेंगे कि हम एक बर्तन में पानी लेंगे। ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक 1 चम्मच के करीब और फिर इन पनीर के टुकड़ों को हम उसमें डाल देंगे। गर्म पानी में डालने से ये होगा कि पनीर के टुकड़े जो हैं एकदम सॉफ्ट बने रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी में डालने के बाद ये देखिए कितना अच्छा जूसी से हो गए हैं और एकदम सॉफ्ट हैं। और पनीर में जो ऑयल था वो भी पानी में अलग हो गया है। इसे हम रख देते हैं साइड में। और जो हमने टमाटर और प्याज का मसाला बनाया था वो ठंडा हो चुका है, तो उसका भी हम पेस्ट बना लेते हैं।
इसमें जो हमने तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा डाला था उसे बाहर निकाल लेंगे और बाकी मसालों को हम अच्छा महीन पीस लेंगे। मसालों को मैंने अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है इसे। अब एक बर्तन में हम पानी गर्म करने के लिए रखेंगे और उसमें डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच शक्कर। शक्कर डालने से मटर का कलर एकदम हरा ही रहेगा और उसमें थोड़ी मिठास भी आ जाएगी। यहाँ पर मैंने एक कप मटर ली है और इसे इसमें डालकर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। दूसरे बर्नर पर हमने एक कढ़ाई रखी है और उसमें डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच बटर। बटर की जगह आप घी या ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जब बटर मेल्ट हो जाए यानी कि गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे दो बड़ी इलायची। अगर बड़ी इलायची ना हो तो आप तीन चार छोटी इलायची ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और इसे मिलाएंगे। और अब हमने जो मसालों का पेस्ट बना कर रखा है उसे इसमें डाल देते हैं। और जो जार में थोड़ा बहुत मसाला बच गया है उसमें हम पानी थोड़ा सा डाल के उसे भी इसमें मिला लेंगे। एक छोटा चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे ग्रेवी में कलर भी अच्छा आएगा और स्वाद भी अच्छा आएगा। लेकिन हमने पहले भी हरी मिर्च डाली है तो इसे आप थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और अब हम मटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मटर एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। मसालों को हमें अच्छे से चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये साइड्स ना छोड़ने लगे और ये ऑयल भी रिलीज ना कर दे, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो मसाला अच्छा से पक गया है और साइड्स भी इसने छोड़ दिया है और ऑयल भी रिलीज हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे, जितना हमें गाढ़ी या पतली ग्रेवी रखनी है उसके अनुसार इसमें हम पानी डालेंगे और अच्छे से इसे हम मिलाते हुए पकाएंगे। मैंने यहाँ पर एक कप पानी डाला है और अब हम इसे ढककर 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे जिससे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और पक जाएं। 6-7 मिनट हो गए हैं और अब हम ढक्कन हटाकर देखते हैं कि ग्रेवी कैसी बनी है। ये देखिए ग्रेवी एकदम अच्छे से पक गई है और बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही है। तो अब क्या करते हैं, इसमें हम हरे मटर को डाल देते हैं। जो हमने मटर पका के रखी थी उसे इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला देते हैं। और अब जो हमने फ्राई करके पनीर रखे हैं पानी में उसे पानी से निकाल कर इसमें डाल देते हैं। पानी को हमें बाहर फेंक देना है। सभी पनीर इसमें डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक बार फिर से हम इसे ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे जिससे सभी मसाले और पनीर अच्छे से मिल जाएंगे। 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाकर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी कितनी अच्छी बन गई है और ग्रेवी कितनी अच्छी लाजवाब दिख रही है। ग्रेवी को और भी अच्छा क्रीमी और रिच बनाना चाहते हैं तो इसमें आप 1-2 चम्मच घर की दूध की मलाई डाल सकते हैं। इससे ग्रेवी और भी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। मटर पनीर की यह मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं और मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि मेरा ये मटर पनीर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।